हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे लाइफ में सक्सेसफुल होने का सबसे ज्यादा आसान तरीका। तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने जो भी आइडियाज दिए हैं वो लिए गए हैं बुक हाउ टू बी अ बिलियनेयर से, जो कि लिखी है मार्टिन फ्रिडसन ने। और अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हर हफ्ते हम ऐसी ही बहुत अच्छी वीडियोज आपके लिए लाते रहेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। इमेजिन कीजिए आपको चंडीगढ़ से दिल्ली जाना है और आपको रास्ता नहीं पता, तो आप क्या करेंगे? ऑब्वियसली हम गूगल मैप्स या फिर साइन बोर्ड या फिर जो आदमी उस रास्ते पे जा चुका है उसे कंफर्म करेंगे, या फिर अपने को सुपर इंटेलिजेंट मान के नए रास्ते की डिस्कवरी में किसी भी डायरेक्शन में चल पड़ेंगे। शायद अब आप हंस रहे होंगे और सोच रहे होंगे कि ऑब्वियसली जो कॉमन रास्ता है वहीं से तो जाएंगे। पर अब जरा सोचिए कि लाइफ की हर प्रॉब्लम में हम ये कॉमन सेंस यूज करते हैं। अगर हमें रियल लाइफ में प्रॉब्लम आती है तो हम सोचते हैं कि यार अपने फ्रेंड से पूछ लेते हैं या फिर वर्मा अंकल से पूछ लेते हैं, वो तो बहुत ही इंटेलिजेंट है। पर क्या हमने रुक के कभी ये सोचा है कि जिसकी भी एडवाइस हम ले रहे हैं क्या वो उस फील्ड के बारे में जानकारी भी रखते हैं, और अगर रखते हैं तो क्या वो उस फील्ड के एक्सपर्ट हैं? और उससे भी ज्यादा वर्स कि हम सोचते हैं कि नहीं, हमें किसी की हेल्प की जरूरत नहीं है, हम खुद कर लेंगे। इमेजिन कीजिए किसी को एक कार डिजाइन करनी है और उसका एटीट्यूड कुछ ऐसा है कि नहीं, मुझे किसी की हेल्प की जरूरत नहीं है, मैं टायर भी खुद डिजाइन करूंगा और उसका स्टीयरिंग व्हील भी खुद बनाऊंगा। इस बात पे हम जरूर हंस रहे होंगे, लेकिन अगर हम अपनी लाइफ को जूम आउट करके देखें तो कहीं ना कहीं हमारे सोचने का पैटर्न भी यही है। फ्रेंड्स, जीतने का सबसे ज्यादा आसान तरीका यही है कि जो प्रूवन मॉडल्स हैं हम उन्हीं को फॉलो करें, जिन रस्तों पे चला जा चुका है उसी पे चलें और किसी और की गलतियां ना दोहराएं, क्योंकि हम सीखते ही गलतियों से हैं। अब इमेजिन कीजिए कि अगर आपको अपने गोल तक पहुंचना है और उस गोल को अचीव करने के लिए आपको एटलीस्ट 100 मिस्टेक्स करनी होंगी, तो ये सारे 100 मिस्टेक्स आपको करने की जरूरत नहीं है। इनमें से 80 मिस्टेक्स आप ऑलरेडी देख सकते हैं कि किसी और ने करी है, तो उन मिस्टेक्स को हम अवॉइड कर सकते हैं, और यही शॉर्टेस्ट पाथ है अपने गोल तक पहुंचने का। इन शॉर्ट, जिस फील्ड में भी हम बेस्ट बनना चाहते हैं उस फील्ड के एक्सपर्ट लोगों से हम सीखें और उनका ही पाथ फॉलो करें, जब तक हम उनके लेवल तक नहीं पहुंच जाते। और एक बार हम उनके लेवल तक पहुंच गए और उनको एक्सेल करना चाहते हैं, उसके बाद ही हमें कोई अपना आइडिया इन्वेंट करने की जरूरत है। और फ्रेंड्स, ये मेरा आइडिया नहीं है, जो दुनिया के बेस्ट लीड क्लास के लोग हैं उनमें से मैक्सिमम लोगों का यही कहना है कि आप औरों के एक्सपीरियंस से सीखें, उसमें थोड़ी अपनी वैल्यू ऐड करें, और यही शॉर्टेस्ट पाथ है अपने गोल को अचीव करने का। कि आप जानते हैं, परफेक्ट सर्च इंजन गूगल एक कॉपीड वर्जन है याहू का। ऑब्वियसली ये बहुत ज्यादा बेटर है याहू से, पर स्टिल ये एक ओरिजिनल आइडिया तो नहीं। इवन की फेसबुक, ऑल्दो मच मच बेटर, बट स्टिल एक कॉपीड वर्जन ही तो है अदर सोशल नेटवर्क साइट्स का, जैसे कि ऑर्कुट। और दुनिया के सबसे अमीर आदमी मिस्टर बिल गेट्स, जिस सॉफ्टवेयर एमएस डॉस की वजह से अमीर बने, वो उनका खुद का सॉफ्टवेयर तक नहीं था, वो उन्होंने किसी और से $50,000 में खरीदा था। अब मान लीजिए कि आप किसी मुश्किल में पड़े हैं और आपकी हेल्प करने के दुनिया के बेस्ट माइंड्स जैसे कि मिस्टर धीरूभाई अंबानी, रतन टाटा, स्टीव जॉब्स, सर्गेई एंड लैरी, दलाई लामा, गांधी जी, टोनी रॉबिन्स, मार्क जकरबर्ग, जैक मा, मिस्टर कार्नेगी, रॉबर्ट कियोसाकी, साइमन सिनेक, इन सब का ब्रेन आपके पास आ जाए, इन सब के आइडियाज आपके पास आ जाए, तो क्या होगा? एग्जैक्टली, यू विल बी द मोस्ट सक्सेसफुल पर्सन इन दिस प्लैनेट। अब सवाल ये उठता है कि इतने ज्यादा सक्सेसफुल लोग आपके साथ अपने आइडियाज क्यों शेयर करेंगे? या तो इनमें से आधे से ज्यादा लोग मर चुके हैं या फिर बहुत ज्यादा बिजी हैं। लेकिन इनमें से मैक्सिमम लोग आपकी ऑलरेडी मदद कर चुके हैं, क्योंकि इनके वैल्यूएबल एक्सपीरियंसेस बुक्स की फॉर्म में ऑलरेडी लिखे जा चुके हैं। पर हम में से मैक्सिमम लोगों की यह प्रॉब्लम है कि हमने कभी बुक्स को इस पर्सपेक्टिव से देखा ही नहीं, हमने हमेशा इसको प्रिंटेड पेजेस के रूप में देखा है। लेकिन अगर हम बुक्स को उस प्रिंटेड पेजेस के बजाय उन वैल्यूएबल सीक्रेट आइडियाज के रूप में देखें, तो शायद इससे ज्यादा कोई इंटरेस्टिंग चीज है ही नहीं।